दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? सुबह की नरम धूप दरबार के खिड़कियों पर चमक रही थी, लेकिन दरबारियों के चेहरे पर सन्नाटे के बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह थी दरबार से बादशाह के चहीते बीरबल की गैरहाजिरी, जिसके बिना बादशाह सुबह की सभा कभी शुरू नहीं करते। कुछ देर और इंतजार के बाद आखिरकार सभी मंत्रिमंडली अपना आपा खोने लगे, और उनमें से एक शातिर मंत्री ने हिम्मत दिखाकर बादशाह से सवाल पूछ ही लिया। उसने पूछा, गुस्ताखी माफ बादशाह अकबर, यदि आपकी इजाजत हो तो क्या हम सभा की कार्रवाई शुरू करें? क्योंकि बीरबल का इंतजार करने में कोई फायदा नहीं है। हरगिज नहीं, जब तक बीरबल नहीं आता कार्रवाई शुरू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनकर दरबार के सभी मंत्री चौंक जाते हैं, और शातिर मंत्री कहता है, बादशाह अकबर, क्यों आप हमेशा बीरबल पे ही भरोसा जताते हैं? कभी आप हमें भी निर्णय लेने का मौका दें। मैं दावा करता हूँ कि हम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान, भरोसेमंद और बेहतर साबित होंगे। बादशाह को तुरंत ही मंत्रियों के भीतर जलन की भावना उबलती हुई नजर आई, परंतु उन्हें मंत्रियों के सवाल जायज लगे और उन्होंने इसका निवारण करने का निश्चय किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आप सब यहाँ मौजूद मंत्रियों से मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब अगर आप सब दे पाए तो मैं आज के बाद बीरबल के लिए कभी इंतजार नहीं करूंगा और आप सबके विचारों को प्राथमिकता दूंगा। ये सुन सभी मंत्रियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, परंतु अभी बादशाह की बात पूरी नहीं हुई थी। लेकिन क्या बादशाह अकबर? लेकिन अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप सबको दरबार से 3 महीनों के लिए बिना तनख्वाह बर्खास्त कर दिया जाएगा। कहो, मंजूर है? ये सुन सारे मंत्रियों के तो जैसे होश ही उड़ गए, पर उनके पास यही मौका था अपने आप को बादशाह के नजरों में बीरबल से बेहतर साबित करने का। तो इज्जत की खातिर उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार ही लिया, और सारे मंत्री एक दूसरे को इशारा करते हुए बादशाह की बात से सहमत होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हुजूर, हमें आपकी शर्त मंजूर है, आप सवाल करें, हम तुरंत जवाब देंगे। इतनी जिज्ञासा देखकर अकबर ने दरबार के सारे मंत्रियों से सवाल किया, तो बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? जरा दिमाग पर जोर लगाओ, हम तुम्हें शाम तक का वक्त देते हैं, जवाब लाओ वरना बर्खास्त हो जाओ, तक लिया। ये कहकर बादशाह अकबर दरबार के सिंहासन से उठ के दरबार के बाहर जाने लगे। फिर वो अचानक रुके और पलटकर दरबार के मंत्रियों से कहा, वैसे अगर बीरबल यहाँ मौजूद होता तो एक दिन की भी मोहलत नहीं लगती। सारे मंत्रियों में ये सुन गुस्से की आग जल उठी, और शातिर मंत्री ने कहा, बादशाह अकबर ने तो हमें इस बड़ी सी चीज के लिए बड़ी उलझन में डाल दिया, बड़ी दिक्कत हो रही है ये बड़ी सी चीज ढूंढने में, अब बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी तो दुनिया है, अब उससे भी बड़ी चीज क्या हो सकती है? मुझे लगता है, अरे तुम जरा चुप रहो, तुम्हारा बड़ा घमंड ही हमें ले डूबा है। अरे वाह, तुम जैसे बेहद ही। ऐसी तू तो मैं ही आधा दिन बीत गया और सूरज ढलने का समय हो गया। थके हारे एक मंत्री ने सुझाव दिया, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब हमारे पास है। अगर हम सबको अपनी नौकरी बचानी है तो इसका केवल एक ही मार्ग है, अपने घमंड का शरबत बना के पी जाओ और चुपचाप बीरबल के पास चले जाओ। बात तो सही है, अब सवाल बस बड़ी चीज का नहीं, हमारे पापी पेट का भी है, तो चलो। फिर क्या था, सारे मंत्री इस बात पे सहमत हो गए और वो बीरबल के घर की ओर निकल पड़े। बीरबल के घर पहुंचते ही सारे मंत्री हड़बड़ी में चिल्ला चिल्ला के उन्हें बात बता रहे थे। उस पे बीरबल ने कहा, अरे अरे अरे, कोई आपकी जान लेने के लिए आप सबके पीछे पड़ा है, ऐसे क्यों हड़बड़ा रहे हो? एक एक करके बोलिए, तभी समझ पाऊंगा मैं और तभी समस्या का हल भी निकलेगा। इस बात पे सारे शांत हो गए और एक मंत्री ने सारी बात बीरबल को विस्तार में समझाई, जिस पे बीरबल हंसते हुए बोले, बादशाह अकबर ऐसे मजेदार सवाल लाते कहाँ से है? पर जो कुछ भी हो, इस वक्त
इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। आप मुझे कल तक का समय दे दो। नहीं नहीं, बादशाह ने हमें सूरज ढलने तक का ही वक्त दिया है, नहीं तो हमें 3 महीने बिना तनख्वाह के निकालने पड़ेंगे। जल्दी कुछ सोचो बिरबल, हमें तुम्हारी बेहद जरूरत है। तुम जो बोलोगे हम वो सब करने को तैयार हैं। बस इससे हमें बचा लो। हाँ हाँ, कृपया हमारी मदद करो, मदद करो। ये देख बीरबल के दिमाग की बत्ती जल उठी और वे बोले, ठीक है, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। वो पालकी देख रहे हो? बीरबल अपनी बात बताते हुए उस पालकी में बैठ गए और 4 मंत्रियों से उसे उठाने को कहा। एक मंत्री से कहा आप मेरी शॉल पकड़िए, और एक मंत्री से कहा आप मेरी चप्पल पकड़िए, और एक मंत्री से कहा आप मेरे ऊपर फूल डालिए जैसे ही हम दरबार पहुंचेंगे। सारे मंत्री ने बिना हिचकिचाए बीरबल की आज्ञा का पालन किया और धूम धड़ाके से बीरबल की पालकी के साथ दरबार पहुंचे। ये सब क्या मांजरा है बीरबल? महाराज, ये आपके सवाल का उत्तर है। क्या मतलब? ये पालकी तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज नहीं लगती? जी महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज भी नजर नहीं आती, क्योंकि वो हम सबके स्वभाव से जुड़ी होती है, और वो चीज है जरूरत। ये सुन वहाँ खड़े सभी दरबारी और मंत्री चौंक गए, और शातिर मंत्री ने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है, जरूरत कैसे बड़ी हुई, उसका तो आकार नापा ही नहीं जा सकता। सही कहा, इसीलिए तो जरूरत सबसे बड़ी चीज हुई ना, क्योंकि वो अनंत है और किसी को भी अपने सामने छोटा कर सकती है। अभी आप अपना ही उदाहरण देख लीजिए, कल तक मुझसे नफरत करते थे, पर आज अपनी जरूरत के कारण मुझे अपने कंधों पे उठा लिया, जो आज तक कभी मुमकिन न हो पाया। तो हुई ना जरूरत सबसे बड़ी चीज। बीरबल की ये बात सुन सारे मंत्रियों का मुंह खुला का खुला रह गया। बादशाह अकबर तो अपनी मुस्कुराहट को हंसी में बदलते रोक ही नहीं पाए, जिसे देख सारे मंत्रियों का सर शर्म से नीचे झुक गया, और बीरबल ने इस बार फिर से चतुराई से एक बड़ी सी गुत्थी सुलझा दी और हमें ये सिखा गए कि कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए। क्या पता कब कहां और कैसे हमें उस व्यक्ति की जरूरत पड़ जाए।